थिएटर म्यूजिक प्रेजेंट। सेठ ताराचंद रहते थे और बड़े धर्मात्मा सेठ थे, साधु संत ऋषि मुनियों को खुश रखा करते, धर्मशाला गौशाला मंदिर मस्जिद सवालों में बड़ा दान किया करते और सालाना भंडारा लगाया करते हरिद्वार में जाकर। एक बार की बात, हरिद्वार में उन्होंने भंडारा लगाया और वहां भी एक सेठ आए हुए थे मनसाराम हापुड़ से। वहां उनकी दोनों की दोस्ती हो जाती है, पगड़ी बदले यार बन जाते हैं। समय बीतता चला गया, आगे ऐसा काम हो गया, सेठ ताराचंद का एक भाई था जिसका नाम हरिराम था, वो खटोली में पड़ा और उसकी घराली कह लगी कि सेठ जी उठो, खटोली छोड़ो, नहाओ धो, दुआ बत्ती धूप बत्ती करो और दुकान खोलो। नवलरे मचा से जगत में शोर, सिठाड़ी उस ताराचंद के नाम का। नवली सेठ जी क्या कह रहे हो आप? बोला तो सुन लिया होगा, तने के गया हमने। नवली उसका शोर न्यू नहीं मचा, उसने बहुत अच्छा काम करया समाज में, आज उसका नाम। और आप कहते कि मेरे को कोई राम राम नहीं करता, आप निंदा चुगली में रहते हैं, आपको राम राम कौन करेगा? आप दान पुण्य नहीं करते, आप धन का गल लपड़ रहे हो, निंदनीय हो आप, समाज में आपकी निंदा होती है, आपको राम राम कोई नहीं करेगा। और जो सतमार्ग पर चले हुए इंसान है उसने सारे राम राम करया करे। और राम राम में कोई टोटा नहीं है, राम राम में बहुत बड़ा फायदा है, किसी की जान बच जाती है। क्यों? क्योंकि सुन भला एक बात बताऊं, एक फैक्ट्री थी बर्फ बनाने की फैक्ट्री, उसमें कर्मचारी काम करया करते, कर्मचारी काम करया करते गेट कीपर था एक, वो सब ने देखा करता ड्यूटी लगाया करता, भाई फलाना भी आ लिया, दिखड़ा भी आ लिया, वो भी आ लिया। एक आदमी नया भर्ती होया उसमें और उस आदमी की आदत थी भीतर जाता जब भी बाहर जाता जब भी उस गेट वाले तो राम राम करया करता, बोला राम राम ताऊ जी, बोला राम राम भाई। एक डेढ़ महीना हो लिया उसने काम करते ना, एक दिन ऐसा आया वो भाई जो नया भर्ती होया था वो अंदर रह जाता है आइस फैक्ट्री में, बाकी सब की छुट्टी होगी सारे निकल गए, वो थोड़ा सा लेट हो गया, आधी मिनट लेट हो गया, इतने में मशीन लॉकडाउन कर देती, आइस फैक्ट्री की मशीन लॉकडाउन हो जाती है तो अंदर रह गया तो मानस मर रहे पक्का, बर्फ जम के बाहर नहीं निकलेगा, उड़े रह जाएगा। क्या होया? उसने विनती करी, हे भगवान हे परमात्मा, शिव महाराज कहाँ छुप गए? मैंने तो आज तक मेरे पूरे जीवन में मेरी सोधी में मैंने किसी का बुरा नहीं करया, मैंने भगवान का नाम लिया है, मेरे तो इसी की गलती होगी। ये पुकार परमात्मा के पास गई, परमात्मा ने ध्यान कराया कि हाँ एक बंदा गेट पर बैठा है, एकदम से उसका दिमाग जागृत हो जाके, ओहो सारे जालिए रहे, वो मानस नहीं आया भाई जो हतन राम राम करया करता, एकदम से ध्यान में आया उसके कि हाँ मानस तो भीतर रह गया, अपने एकदम से फुर्ती से अंदर जाता है, लॉकडाउन खोलता है, उन्हें देखा था दादा जम रहा, दादा जम रहा इतनी देर में, उन्हें काट के बाहर ले आया, फिर उस आग वाली हीटर हाटर लगाए जब वो ठीक होया। निवला भाई सुन ले रहे, तेरी जान बचाने वाला भगवान है, कदन सोचा मैं हूं मैं नहीं? बोला क्यों ताऊ? क्योंकि बोला इस राम राम का परिणाम है जो तू आज जिंदा है, तो भाई राम के नाम में कोई टोटा नहीं होता, राम का नाम तो लेना ही लेना चाहिए, चाहे दुश्मन भी आ जाओ, शम हित है व्यक्ति तो किसी से लड़ाई हो उसको भी राम राम करो, चागला मुंह तना बोलो, भीतर में तो एक करके न्यू आवागी भाई, हाँ तना राम राम करे है, एक सेकंड के लिए उसका हृदय कोमल हो जाता है। तो ऐसे ही बोला, रे मैं तो नाश करना चाहूं उसका। बोली बोला हो रहा से,
तन ऐसे सुतरे काम को नहीं करे जहां तेरा नाम को नहीं, ये काम करने चाहिए बावला। देख तारा चंद के उसका भाई हरिराम के और हरिराम की सेठानी के, देख विचार क्या कहा। दान पुण्य खर्चे खाए बिने उपन के पशु कमाया तेरा नाम कड़े ते ओ दुनिया में तू निंदक बनया पराया। ओ दान पुण्य खर्चे खाए गले बनक पशु कमाया तेरा नाम कड़े वो दुनिया की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। क्या क्या काम बताए कैसे। देखिए मात पिता की बरकत के मात पिता की बरकत के लाया नायक देला सतगुरु बाणी का सत्संग ना संतों का मेला तीर्थ व्रत यात्रा ना करी ना सतगुरु का चेला तो भैया मैं बैठ उठना घर मैं सड़ अकेला बदती बेटी तक तमड़ी ना गई खेला खाया नाम कड़े ओ दुनिया में पाप का माल भरिया कोठी में पाप का
उसकी उसका व्यापार में छल करया, दगा करया, सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के चक्कर में, ऐसा नहीं। और हर किसी को ये सोच लिया कि तो छोटा आदमी है, ऐसा नहीं। जीव सब एक है, चाहे वो कीड़ी मकोड़ा हो, चाहे हाथी घोड़ा हो, चाहे इंसान हो, सर्व जीव एक समझना चाहिए। क्या कहा चाहिए। धन को दान करो, परमार्थ करो, कुएं, मंदिर, धर्मशाला, गौशाला, इनमें दान करो। जे घना धन हो, भंडारे लगा दो, सदा व्रत लगा दो, गरीब का सहारा लगा दो, गरीब की बेटी शादी का योग हो रही है तो उसकी शादी करवा दो। ऐसे धर्म के कार्य करने चाहिए। और वो भी नहीं बने तो अपने ऊपर खर्च कर लो, बढ़िया मकानों में रहो, बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया गाड़ी लो। और वो भी नहीं बने तो फिर क्या हो जाना चाहिए। We'll be right back.
चाहिए नीच दुष्ट छलिया की खातरी महाभारत चाहिए कृष्ण जी की दया मार लिया खुद पारत चाहिए चार वेद भगवान स्वरूप another update.